हेलो दोस्तों, मैं विशाल सिंह एक बार फिर से आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ एकेडमी 24x7 यूट्यूब चैनल में। फ्रेंड, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि भारतीय राजव्यवस्था एवं शासन के आप पढ़ रहे हैं और उसकी पूरी एक सीरीज चल रही, तो आज उसका हम पार्ट फोर्थ देखें। ये क्रैश कोर्स के नाम से सीरीज चल रही है, उसका ये पार्ट फोर्थ है। और आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, आज हम प्रस्तावना के बारे में पढ़ने वाले हैं, प्रीएम्बल के बारे, सॉरी प्रस्तावना या प्रोलॉग के बारे में हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं, यहाँ पर बात करने वाले हैं। तो यहाँ पर आज जानेंगे, बात करेंगे कि प्रस्तावना क्यों इतनी ज़रूरी है, और भी जो इससे इम्पोर्टेंट रिलेटेड क्वेश्चन हैं वो हम सभी जानेंगे, और जानेंगे कि क्यों प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो, और यहाँ पर देखते हैं कि प्रस्तावना में कौन कौन से इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं और कौन कौन से इसमें टॉपिक बन सकते हैं। अगर आपने अभी तक पहले के तीनों वीडियो नहीं देखे तो ज़रूर से उसको देख लें, जिससे कि आपकी तैयारी एक अच्छे तरीके से हो सके और आपके जो भी स्टेट PSC एग्ज़ाम होने वाला या UP SSC के तहत होने वाला या किसी अन्य स्टेट का या UPSC का होने वाला या UPPCS का एग्ज़ाम, जो भी एग्ज़ाम होने वाले हैं, आप उसके लिए एक बेहतर तरीके से तैयारी कर सकें और एक अच्छी शुरुआत कर सकें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज प्रस्तावना स्पेशल ये वीडियो। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले, जैसा मैं हमेशा कहता हूँ, अगर आप चैनल पर नए हैं तो जरूर से चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कर लें। वीडियो पसंद आता है जरूर से इसको लाइक करें। कोई कन्फ्यूजन है, कोई डाउट है, कोई समस्या है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें जरूर से बताएं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। यहाँ पर देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन क्या है। तो यहाँ पर सबसे पहला क्वेश्चन है कि हम पूरा यहाँ पर प्रस्तावना दी गई है, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों सामाजिक आर्थिक राजनैतिक न्याय विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म और उपासना की स्वतंत्रता प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित कराने वाली बंधुता को बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी संविधान सभा में आज .. को एतद् द्वारा इस संविधान को अंगीकृत अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। तो यहाँ पर आपको डेट भरनी है कि ये कब कहा गया था, ये कोटेशन पूरा, या कब इसको लागू किया गया था। तो ये कब किया गया था आपका, 26 नवंबर 1949 को, यानी कि ऑप्शन यहाँ पर आपका क्या सही होगा, ऑप्शन बी यहाँ पर सही होगा, क्योंकि उसी दिन भारत का संविधान बनकर तैयार हो गया था। तो इसलिए आपका ऑप्शन यहाँ पर क्या, बी ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। और यहाँ क्या है, संविधान की आत्मा इसे क्यों कहते हैं प्रस्तावना को, क्योंकि सभी जब किसी चीज़ में डाउट होता है, कोई कन्फ्यूज़न होता है, तो यहीं से ही हेल्प ली जाती है। तो क्योंकि सभी चीज़ यहीं पर है करेक्टर, क्योंकि देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक राजनैतिक न्याय विचार अभिव्यक्ति विश्वास और धर्म की उपासना प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए, ये सभी करेक्टर एक उसमें इसी पूरी प्रस्तावना में ला दिए गए। इसलिए कहीं भी किसी को हेल्प की ज़रूरत होती है तुरंत यहीं से हेल्प ली जाती है, इसलिए प्रस्तावना बहुत ज़रूरी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय गणतंत्र की 26/1/1950 को सही संवैधानिक वस्तुस्थिति क्या थी जब संविधान लागू किया गया था। तो यहाँ पर मतलब कौन कौन से करेक्टर उसमें आपके भारतीय संविधान में थे जब आपका संविधान लागू किया गया। तो यहाँ पर चार ऑप्शन दिए, ABCD आपको पढ़ लेना है। लोकतंत्रात्मक गणराज्य, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य और प्रभुत्व संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य। तो आपको बताना है कौन सा ऑप्शन यहाँ पर आपका सही होगा। तो यहाँ पर जब करेक्टर जो करेक्टर हुए थे, क्योंकि कुछ करेक्टर बाद में भी संशोधन करके शामिल किए गए थे, केवल एक बार ही संशोधन हुआ है अब तक आपका उसमें आपके प्रस्तावना में, वो 1976 में हुआ था जो 42nd अमेंडमेंट। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन सी यहाँ पर संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य, यानी कि ऑप्शन सी यहाँ पर सही होगा। यही करेक्टर आपके सभी शामिल थे जहाँ पर आपका संविधान लागू किया गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संविधान में हमारे राष्ट्र का उल्लेख किस किन नाम या नामों से किया गया है। तो आप सभी जानते होंगे कि जैसा कि हमारा ही ऐसा देश है जिसका एक इंग्लिश में नाम है और एक हिंदी में नाम है। तो यहाँ पर क्या है कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि क्या है, संविधान में किस चीज़ के कौन कौन से नाम लिखे गए हैं। तो यहाँ पर भारत और इंडिया दोनों लिखे गए हैं, तो यानी कि यहाँ पर ऑप्शन ए यहाँ पर सही होगा। जो हमारा अनुच्छेद है उसी में यहाँ पर लिखा गया है, हम भारत के लोग, यानी कि वी आर द पीपल ऑफ इंडिया, यानी यहाँ पर जो आपका अनुच्छेद एक है वहीं पर बता दिया गया है आपको। तो यहाँ पर भारत और इंडिया दोनों नाम आपके संविधान में शामिल हैं, ऑप्शन ए सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर है, निम्न शब्दों पर विचार करें, समाजवादी, प्रजातांत्रिक,
सार्वभौमिक और धर्मनिरपेक्ष, सही शब्दों को विचारानुसार क्रम में लगाइए, या क्रम में इनको सेट करना है, अरेंज करना है इनको। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा? यहाँ पर पहले आपका सार्वभौमिक आया था, समाजवादी, फिर उसके बाद प्रजातांत्रिक, और फिर सॉरी उसके बाद धर्मनिरपेक्ष, फिर प्रजातांत्रिक। यानी कि सार्वभौमिक सभी को समान सभी अधिकार है, समाजवादी सभी लोगों का यहाँ पर ख्याल रखा जाता है, धर्मनिरपेक्ष कोई धन किसी एक विशेष पर्टिकुलर धर्म पर जोर नहीं दिया जाता, प्रजातांत्रिक यानी यहाँ पर जनता का ही शासन है। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही होगा? यहाँ पर ऑप्शन आपका ए सही होगा, यानी ए ऑप्शन यहाँ पर जो सही होगा, CADB यहाँ पर ये आपका क्रम होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित शब्दों में से कौन से शब्द 42वें संवैधानिक संशोधन द्वारा प्रस्तावना में जोड़े गए हैं? समाजवाद, ग्राम स्वराज, पंथ निरपेक्षता और संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। तो क्या है इनको आपको बताना है कि कौन कौन से यहाँ पर जोड़े गए हैं आपको 42वें अमेंडमेंट में। जैसे कि मैंने अभी बताया, प्रस्तावना में एक बार ही संशोधन किया गया 1976 में 42वें अमेंडमेंट के तहत। तो कौन कौन से हैं आपको यहाँ पर बताना है, तो कौन कौन से ऐड किए गए हैं? आपका समाजवाद ऐड किया गया है और पंथ निरपेक्षता आपका ऐड किया गया है। यानी समाजवाद यानी सभी समाजवादी सिस्टम यहाँ पर लागू, सभी जन देश की जनता का पूरा ख्याल रखा जाएगा, पंथ निरपेक्ष कोई धर्म या धर्म विशेष पर जोर नहीं दिया जाएगा। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन ऑप्शन बी यहाँ पर सही होगा, यानी फर्स्ट और थर्ड ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के उद्देश्य के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करिए और दिए गए कूट की सहायता से बताइए कि इनमें से कौन सही है। तो पंडित नेहरू द्वारा प्रस्तुत ऑब्जेक्टिव प्रस्ताव अंतोगत्वा उद्देश्य का बना, इसकी प्रकृति न्याय योग्य नहीं है, इसका संशोधन नहीं किया जा सकता, संविधान के विशिष्ट प्रावधानों को ये रद्द नहीं कर सकता है। तो यहाँ पर मैंने आपको बता दिया कि संविधान इसमें एक बार किया जा चुका है, तो यानी ऑप्शन थ्री आपका गलत हो गया, इसकी प्रकृति न्याय योग्य नहीं है यानी कि जस्टिकेबल नहीं है। तो यहाँ पर आपको बताना है कि बिल्कुल नहीं है, आप इसमें कोई छेड़छाड़ या इसमें जाकर इसको ऐसे कर नहीं सकते, उसमें कोई आप अपना हक नहीं जता सकते हैं। और क्या है, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ही जो ऑब्जेक्टिव प्रस्ताव लागू किया, पेश किया था, उसी को देश का बना दिया गया था। कब लागू पेश किया था ये? 13 दिसंबर को इन्होंने पेश किया था। चलिए और देख लेते हैं क्या है यहाँ पर, और जो लास्ट ऑप्शन है इसको क्या है, ओवरराइड नहीं कर सकते हैं। जी हाँ बिल्कुल, ओवरराइड नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पर कौन कौन सा ऑप्शन सही होगा? 1, 2 और 4, यानी कि ऑप्शन बी यहाँ पर आपका सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत भारतीय संविधान की प्रस्तावना में शब्द सम्मिलित नहीं थे। तो यहाँ पर कौन से शब्द सम्मिलित नहीं थे? देखते हैं यहाँ पर, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, अखंडता और गणराज्य। तो यहाँ पर कौन कौन से नहीं थे इनको, यानी कब 1976 में 42वें अमेंडमेंट के तहत शामिल किया गया, तो कौन कौन से हैं? समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द दिए आपके बाद में शामिल किए गए हैं, गणराज्य पहले से ही था। यानी कि ऑप्शन ए यहां पर आपका सही होगा, 1, 2 और 3, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता, ऑप्शन ए आपका सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में पंथ निरपेक्ष शब्द जोड़ा गया, मैंने आपको पहले ही बता दिया कब जोड़ा गया, 42वें अमेंडमेंट या 42वें संशोधन धारा, यानी कि ऑप्शन बी यहां पर आपका सही होगा। और कब किया गया? 1976 में, 1976 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत एक गणतंत्र है, इसका अर्थ है ABCD, यहाँ पर 4 ऑप्शन है, सभी मामलों में अंतिम अधिकार जनता के पास है, भारत में संसदीय शासन नहीं है, भारत में वंशानुगत शासन नहीं है, या भारत राज्यों का संघ है। तो आपको बताना है कि भारत में वंशानुगत शासन नहीं है, यानी कि ऑप्शन सी यहां पर सही होगा। यही एक गणतंत्र का अर्थ होता है, यहां पर देश की जनता सरकार चुनती है हर 5 वर्ष के बाद या जब जरूरत होती है तब। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारत के संविधान की उद्देशिका में नहीं है? आपको बताना है कौन सा शब्द नहीं है, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, प्रभुत्ता संपन्न और लोक कल्याण। तो कौन सा नहीं, यहां पर लोक कल्याण शब्द नहीं है, क्योंकि अभी तक हमने पूरी उद्देशिका आगे पढ़ी, पहले क्वेश्चन में पढ़ी, तो वहां पर लोक कल्याण नहीं था। लोक कल्याण की शब्द बात करें तो कहां पर है आपका, DPSP यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी में आपको मिल जाएगा, यानी कि ऑप्शन डी यहां पर आपका ये सही है। चलिए आगे देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लिखित नहीं है? सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय, राजनीतिक न्याय और धार्मिक न्याय। तो यहां पर कौन सा उल्लिखित नहीं है? तो आपका धार्मिक न्याय उल्लिखित नहीं है। आप जैसे कि प्रस्तावना हमने पढ़ी तो वहाँ पर ये सभी शब्द यूज़ किए गए हैं, तो यहाँ पर कहा ऑप्शन डी यहाँ पर आपका सही होगा। अगर आपको इस सीरीज में या इस वीडियो में कोई डाउट होता है, कोई कुछ भी आपको कन्फ्यूजन है, तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं, सभी पूरे डाउट आपके क्लियर किए जाएंगे। वीडियो पसंद है जरूर से इसको लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलें। चलिए देखते हैं अगला। भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा कहलाता है? जैसे मैं पहले स्टार्टिंग में हम लोगों ने डिस्कस किया, तो संविधान की आत्मा क्या उद्देश्य का, यानी कि प्रस्तावना है कहलाती है, यानी कि ऑप्शन सी यहां पर आपका सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है।
निम्नलिखित में से किसने भारतीय संविधान की प्रस्तावना को हमारे संप्रभु प्रजातांत्रिक गणतंत्र की जन्म कुंडली कहा है? तो किसने कहा है, बहुत ही फेमस कोटेशन है, बार बार पूछा जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट। तो किसने, के एम मुंशी ने कहा, यानी कि ऑप्शन डी यहाँ पर आपका सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, संविधान को एक पवित्र दस्तावेज किसने कहा है? तो पवित्र दस्तावेज किसने कहा आपको बताना है, बी आर अम्बेडकर, महात्मा गांधी, दीनदयाल उपाध्याय या मोहम्मद अली जिन्ना। तो यहाँ पर किसने कहा था, हमारे संविधान निर्माता बी आर अंबेडकर ने कहा था संविधान को पवित्र दस्तावेज, यानी कि ऑप्शन ए यहां पर आपका सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित विवादों में से किसमें सर्वोच्च न्यायालय ने प्रस्तावना को भारतीय संविधान की मौलिक संरचना का एक भाग स्वीकार किया? जी हां, यहां पर एक बहुत ही फेमस है, इस क्वेश्चन को आप बिल्कुल रट लीजिए, कंठस्थ कर लीजिए, अक्सर पूछा जाता है और ये हमेशा आपको याद करना ही चाहिए कि केशवानंद भारती, ये जो विवाद था तो केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य, ये एक विवाद था जिसमें क्या संविधान में प्रस्तावना में संशोधन किए गए 1976 42nd अमेंडमेंट के तहत। तो ये आपको हमेशा रट लेना है, याद कर लेना है, और क्या है, भारतीय संविधान की मौलिक संरचना का भाग स्वीकार किया गया प्रस्तावना को। तो यहाँ पर ऑप्शन डी यहाँ पर आपका सही होगा, केशवानंद भारती विवाद। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जिन आदर्शों एवं उद्देश्यों की रूपरेखा दी गई है उनकी व्याख्या की गई है? मूल अधिकारों के अध्याय में, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के अध्याय में, मूल अधिकारों, राज्य के निर्देशक सिद्धांतों एवं मौलिक कर्तव्यों के अध्याय में, संविधान में पाठ में कहीं नहीं। तो आपको ऑप्शन बताना है किसमें उद्देश्यों की रूपरेखा दी गई है, आदर्शों एवं उद्देश्यों की रूपरेखा दी गई है, तो बताना है कहाँ पर इनकी बात की गई है। तो आपके मूल अधिकारों में बात की गई है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में बात की गई, यानी कि DPSP यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में बात की गई, और मौलिक कर्तव्यों में भी आपकी बात की गई है, यानी कि ऑप्शन सी यहाँ पर आपका सही होगा। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके प्रस्तावना से, भारतीय प्रस्तावना से रिलेटेड, संविधान के से रिलेटेड। आपको कोई डाउट है, कोई कन्फ्यूजन है तो उसे हमें ज़रूर से बताएं, हमें ज़रूर से उसको अवगत कराएं। आपको वीडियो कैसा लगा, आपकी वीडियो सीरीज कैसी लग रही है, आप हमें ज़रूर से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। आप हमारे साथ ऐसे ही बने रहिए, जुड़े रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बहुत बहुत धन्यवाद।